रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, लश्कर के दो टेररिस्ट अटैक। भाजपा के मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में आज से जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के नासिक में एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों ने जेसीबी से की फूलों की बारिश। स्मृति ईरानी ने भी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान, अधीरंजन ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। अपने पार्थ की काली करतूत से अनजान थी ममता, शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी सांसद स्वागत राय का दावा। एक्शन में पंजाब के मंत्री, अस्पताल में मिला गंदा बेड तो अधिकारी की हो रही उस पर, उस अधिकारी को ही उस पर लिटा दिया। केजरीवाल के मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश ईडी के सारे सबूत, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कोर्ट भी इससे संतुष्ट। पुलिस वाले ने बुजुर्ग को लात घूंसे, बेल्टों से पीटा, जबलपुर में प्लेटफॉर्म पर घसीटा, वीडियो सामने आने के बाद आरोपी सस्पेंड। ऋषिकेश शिवपुरी रूट पर बस पलटी, ब्रेक फेल होने के बाद पोल्ट से टकराई, 65 यात्री यूपी के थे, एक महिला की मौत। महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो नहीं बचेगा कोई भी पैसा, बोले राज्यपाल भगत सिंह। अगले हफ्ते सोनिया ममता की मुलाकात, बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की दीदी की पहल, एजेंडे में ईडी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला। राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीरंजन ने मांगी माफी, राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी में लिखा ऐसा गलती से कहा, मेरी माफी कबूल करें। ۲۰۲۵ तक वायुसेना से हटेंगे मिग विमान, श्रीनगर में तैनात 51 स्क्वाड्रन 30 सितंबर को रिटायर होगी, अगले 3 साल में सभी मिग बाहर होंगे। एनआईए करेगी कर्नाटक भाजपा नेता की हत्या की जांच, दक्षिण भारत में फैले आतंकी नेटवर्क भी खंगालेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने समुद्र के भीतर फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में लिया हिस्सा, दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना है मकसद। मुहर्रम जुलूस की ड्रोन से निगरानी, जुलूस मार्ग का बदला रहेगा यातायात, कांवड़ यात्रा के लिए अयोध्या हाईवे पर भारी वाहनों पर रोक। फ्लाईओवर पर उल्टा दौड़ा ओवरलोडर ट्रक, 2 की मौत, गाजियाबाद में सीमेंट भरे ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा, 8 घायल। वसूली के लिए आए निकली किन्नर, होटल में चोरी करते वीडियो में दिखी, असली किन्नर बोले अब ढूंढकर पीटेंगे। सीतापुर में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर दूर नदियां, गांवों के किनारे तक पहुंचा नदियों का पानी, सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीण कर रहे पलायन।
मथुरा में झूला उत्सव, हरियाली तीज की तैयारियों में जुटा प्रशासन, झूले में विराजमान होंगे बांके बिहारी और रंगनाथ। करनैलगंज में बीच चौराहे युवक को बंधक बनाकर पीटा, बैटरी चोरी का लगाया आरोप, दो समुदाय से जुड़े हैं मामले। मिर्जापुर में प्रति घंटा 4 सेमी बढ़ रही गंगा, गंगा किनारे बसे 493 गांवों को लेती है चपेट में, जिला प्रशासन सतर्क। बिना पंजीकरण सड़क पर दौड़ रहे 28 ई रिक्शा सीज ड्यूटी दौरान होमगार्ड पर हुए हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस। एक करोड़ की धोखाधड़ी में दंपति को अग्रिम जमानत, मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता रंजन मित्तल और पत्नी पर दर्ज हुआ था मुकदमा। शिव सावन महोत्सव में भजनों पर झूमे श्रद्धालु, कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्थित शिव मंदिर में था आयोजन, लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। शाजापुर में ट्रक की टक्कर से 3 कांवड़िए घायल, जाम लगाकर की तोड़फोड़, आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार। फिरोजाबाद के अस्पताल में प्रसूता की मौत पर तोड़फोड़, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल छोड़कर भागा स्टाफ। जालौन में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने जालौन और अय्या स्टेट हाईवे किया जाम, मुआवजा और ट्रक को पकड़ने की मांग। मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी है बदमाश कमर अली का कनेक्शन, 18 साल से मुंबई था ठिकाना, एसटीएफ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की कर रही है पड़ताल। चंदौली के दिव्यांगों के लिए लगाया गया विशेष कैंप, पेंशन के लिए 7 और प्रमाण पत्र के लिए 18 आवेदन आए, अधिकारी बोले हर ब्लॉक में लगेगा शिविर। रामपुर में सपा छोड़ युवकों ने थामा अपना दल का दामन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हमजा ने किया स्वागत। हरदोई में युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास, परिजनों ने मोहल्ले के लड़के पर लगाया आरोप। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से टकराया सांड, कई ट्रेनें प्रभावित, प्रयागराज से रवाना हुई थी ये ट्रेन, कौशाम्बी के भरवारी के पास हुआ हादसा। वाराणसी के डीएम बने रहेंगे कौशल राज, कुशीनगर के जिलाधिकारी भी अपने पद पर रहेंगे, ट्रांसफर ऑर्डर रद्द, रविंद्र कुमार को खाद्य रसद में तैनात। जौनपुर में 3 फार्मासिस्ट के निलंबन की संस्तुति, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सीएमएस को लगाई लताड़, छापेमारी में प्राइवेट गोदाम से बरामद हुई थी सरकारी दवाई। ई रिक्शा में न बैठाने पर परिवार को पीटा, पीड़ित दलित ने एसपी से अग्रणी जातियों के आरोपियों के खिलाफ दी शिकायत, कार्रवाई की मांग। हाथरस में भाजपा सभासदों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांग, जमकर की नारेबाजी। बीजेपी एमएलए ने सीएम योगी को लिखा पत्र, शाजापुर को सूखा घोषित कर किसानों को मुआवजा देने की मांग। बदायूं में जेई लाइनमैन पर लापरवाही का मुकदमा, फॉल्ट ठीक करते वक्त सप्लाई आने से प्राइवेट लाइनमैन की हुई थी मौत। अलीगढ़ सड़क हादसे में बसपा नेता की मौत, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा।
आगरा में कार से टक्कर पर रिक्शा चालक की पिटाई, पुलिस के सामने पीटा और चले गए, पास खड़े लोगों ने बनाया वीडियो। परिषदीय विद्यालयों में उधार की हांडी में पक रहा खाना, 3 महीने से नहीं मिला मध्याह्न भोजन योजना का पैसा। कुशीनगर में विद्युत करंट की चपेट में आकर 4 घायल, अस्पताल में हुए भर्ती, दरवाजे पर पर्दे में लगे तार में उतरा था करंट। पॉपुलर के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, 28 जुलाई को 2 महिलाओं पर चाकू से किया था जानलेवा हमला, तभी से चल रहा था फरार। हरदोई में 50,000 रुपए न देने पर पिता की हत्या, पहले बाजार से चाकू लेकर आया बेटा, फिर उसी से 3 बार गोद कर उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पद से मदन कौशिक की छुट्टी, असेंबली चुनाव हारने वाले महेंद्र भट्ट बने अध्यक्ष। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे समेत सैकड़ों सड़कें बंद। बारिश का कहर जारी, नाले उफान पर आने से बद्रीनाथ हाईवे बहा, 650 तीर्थयात्रियों को जगह जगह रोका गया। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा उत्तराखंड में भर्तियों में बंगाल की भांति हो रहा खेल। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में बाधित, 2000 से ज्यादा यात्री फंसे, एसडीआरएफ कर रहा रेस्क्यू। उत्तराखंड में 3,444 बच्चे शिक्षा के आधार से वंचित, निजी स्कूलों में नहीं दिया एडमिशन। उत्तराखंड में दिन में लगाते थे फेरी, रात को करते थे चोरी, पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार, बिहार के हैं 3 महिलाएं। ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला, अनर्गल बयानबाजी करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के चंपावत में सीएसडी कैंटीन का होगा विस्तारीकरण, उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय के जीओसी ने मुख्यमंत्री धामी से की भेंट। उत्तराखंड में नई नियुक्ति पर केंद्र के समान वेतनमान देने के निर्णय का विरोध, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। उत्तराखंड में देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही पर बिफरे मंत्री, लापरवाही अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तराखंड में गांव की जमीन पर स्कूल तो एलडीए से जमीन, कार्रवाई अपने नाम, राम बिलास यादव की संपत्ति की जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। ऋषिकेश में अंतिम संस्कार में आए व्यक्तियों को पीटने वाले 3 दबंग गिरफ्तार, मुख्य आरोपित पार्षद का पति फरार। उत्तराखंड के बागेश्वर में 150 मीटर नाले में बही कार, बाल बाल दो सवार बचे। यूके एसएससी के पेपर लीक मामले में 36 लाख में पेपर खरीद कर अभ्यर्थियों को बताए थे उत्तर, 2 कर्मचारी नेता गिरफ्तार। इसराइल में 1 नवंबर को चुनाव, भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी नेतन्याहू सबकी पसंद, सदन में सबसे ज्यादा 57 सीट मिल सकती है।
स्पेन ब्राजील में पहली मौत, अब जान ले रहा मंकी पॉक्स, दिख रहे नए दर्दनाक लक्षण, प्राइवेट पार्ट्स में सूजन और दर्द। कमजोर हो रहा पाकिस्तान, बाजवा पर भड़के इमरान, बोले आर्मी चीफ का काम मुल्क के लिए उधार मांगना नहीं। जिनपिंग की धमकियों के बाद ताइवान के नजदीक चीन का युद्धाभ्यास, अमेरिका ने भी भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर। अफगानिस्तान में मैच के दौरान काबुल के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बम धमाका, कई लोग घायल। सऊदी सिस्टर्स की मर्डर हिस्ट्री में उलझी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस, 2 महीने बाद भी कत्ल का कोई सुराग नहीं, अब एफबीआई करेगी मदद। ताशकंद में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग, बिलावल से मिल सकते हैं जयशंकर, मोदी शहबाज की मीटिंग अगले महीने मुमकिन। महिला ने पोंछे मार मार कर चोर को भगाया, नीदरलैंड में बेकरी में चाकू लेकर घुसा चोर, महिला के जवाबी हमले से डरकर भागा। आईएमएफ से कर्ज के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए जनरल बाजवा, कंगाल पाकिस्तान के लिए फैलाया हाथ। अगर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान में घुसी पेलोसी तो गिरा देंगे प्लेन, पहली बार चीन ने दी हमले की खुली धमकी। सोने चांदी में शानदार तेजी, इस हफ्ते सोना 663 रुपए महंगा हुआ, चांदी 3152 रुपए बढ़कर 57,000 के पास निकली। ग्रैंड विटारा की लॉन्चिंग से पहले लीक हुई कीमत, 7 वेरिएंट्स में मिलेगी, 9.50 लाख रुपए से शुरू हो सकती है कीमत। ओला उबर में नहीं होगा मर्जर, ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल और अच्छी तरह से बढ़ रही। पार्ले ने फिर अमूल को पछाड़ा, एफएमसीजी सेगमेंट में लगातार 10वें साल मोस्ट चूज ब्रांड बना, ब्रिटानिया 3रे नंबर पर रहा। ट्विटर अधिग्रहण विवाद में 17 अक्टूबर से चलेगा ट्रायल, एलन मस्क ने दाखिल किया प्रतिवाद। डिजिटल भुगतान पर बढ़ रहा लोगों का भरोसा, 2023 तक मुनाफे में आएगी कंपनी, बोले पेटीएम फाउंडर। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईबीएक्स और एनएससी आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट को किया लॉन्च, मोदी ने कहा भारत अब दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है। डोजकॉइन की अपग्रेडेड वेबसाइट नए फीचर्स के साथ हुई लाइव, वेबसाइट अब अंग्रेजी के अलावा 10 और भाषाओं में देखी जा सकती है। एप्पल और गूगल को देनी होगी जाली क्रिप्टो एप्स पर कार्रवाई की जानकारी, क्रिप्टो सेगमेंट से जुड़े स्कैम की संख्या बढ़ने के कारण अमेरिका में ऑथोरिटीज। बिटकॉइन $23,000 के पार, क्रिप्टो मार्केट में छाया हरा रंग, शिबा इनू और डॉजकॉइन में भी आज हल्की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया से हारी भारतीय विमेंस टीम, 49 रन पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया 155 रन का टारगेट। दिनेश कार्तिक ने गेंदबाज के उड़ाए होश, मारा ऐसा शॉट जिसने भी देखा पकड़ लिया सिर।
हैरतअंगेज तरीके से अश्विन को मिला जीवन दान, हाथ में गेंद पकड़कर खड़ा रहा विंडीज खिलाड़ी। गेंदबाज के सबसे अहम हथियार यॉर्कर पर बेरिस्टो ने टांगों के बीच से मारा शॉट, बॉलर अब करे तो करे क्या। न्यूजीलैंड ने बना डाला अपने टी20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, स्कॉटलैंड के गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई। सीडब्ल्यूसी 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी अनहत ने जीत का किया आगाज, तैराक नटराज फाइनल में। टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, पहले टी20 में वेस्टइंडीज को 68 रन से हराया, 19 गेंद में 41 रन बनाने वाले कार्तिक बने मैन ऑफ द मैच। कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन भारत का शानदार प्रदर्शन, बैडमिंटन मुक्केबाजी में भारत ने पाकिस्तान को हराया, हॉकी में 5-0 से रौंदा। सीडब्ल्यूजी 2022 के हॉकी में भारत का शानदार आगाज, महिला हॉकी टीम ने घाना को 5 गोल से रौंदा। श्रेयस अय्यर ने हवा में उड़ाकर रोका सिक्स, मैदान तालियों से गूंज उठा। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में लगी आग, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म के सेट पर लगी आग में एक व्यक्ति की मौत। सोनम कपूर ने आनंद आहूजा को विश किया बर्थडे, हार्ट फ्लेट नोट शेयर किया, आप दुनिया के बेस्ट डैड बनेंगे। विल स्मिथ का एक और माफीनामा वीडियो शेयर कर क्रिस रॉक से मांगी माफी, बोले वो अभी मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। रणबीर सिंह ने किया मिजुआ फैशन वीक में रामवॉक इवेंट में एक्टर ने छुए अपनी मां के पैर, वीडियो हुआ वायरल। माधुरी के गाने पर झूम उठे कोरियन, घाघरा सॉन्ग पर कोरियन स्टूडेंट्स ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो हुआ वायरल। प्रियंका का वायरल वीडियो, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंचे प्रियंका चोपड़ा। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर फिर साधा निशाना, बोली अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो ही होंगे। रसिक देव का किडनी फेलियर से हुआ निधन, 2 साल से डायलिसिस पर थे एक्टर, महाभारत में किया नंद का रोल। लवरंजन के सेट पर लगी आग, थर्माकोल और प्लास्टिक से बना था रणबीर कपूर की फिल्म का सेट, बड़ा हादसा चला। जुबिन नौटियाल बोले इंडस्ट्री के सभी स्टार्स को आवाज दे चुका हूं, शाहरुख और आमिर सर की आवाज बनने की ख्वाहिश है। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। Goodbye.